नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस साल वक्त से पहले पड़ने वाली गर्मी ने लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गर्मियों में गला सूखना और लगातार प्यास का एहसास होना काफी आम है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके शरीर को पानी की जरूरत है ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा जा सके। वहीं बार बार गला सूखना और पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगना किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में अगर आपको महसूस हो कि आपको पानी पीने के बाद भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और आप इस प्यास को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बता दें कि पानी पीने के बावजूद भी बार बार प्यास लगना आंत से जुड़ी किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। बार बार प्यास लगने का एक कारण आंत का कैंसर हो सकता है। आंत का कैंसर काफी धीमी गति से शरीर में बढ़ता है। इसके लक्षण काफी देर में नजर आते हैं, लेकिन अगर समय से पहले इसका पता चल जाए तो इस गंभीर बीमारी के खतरे से बचा जा सकता है। आंत का कैंसर होने पर कई लक्षण नजर आते हैं। मल त्यागने की आदतों में बदलाव, मल में खून आना, पेट में दर्द, बेचैनी और ब्लोटिंग, कब्ज, एनल और रेक्टम के आसपास गांठ बनना, वजन कम होना, यूरिन में ब्लड आना, बार बार यूरिन पास करना, साथ ही यूरिन के कलर में बदलाव होना। चलिए बात करते हैं आंत के कैंसर के कारणों की। ऐसी कई चीजें हैं जो आपके जोखिम को बढ़ा सकती है, जिनमें से शामिल है उम्र। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। डाइट, रेड और प्रोसेस्ड मीट खाना और लो फाइबर डाइट लेने से आंत के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वजन, ओवरवेट और मोटे लोगों में आंत के कैंसर का खतरा औरों की तुलना में ज्यादा होता है। शराब, शराब का सेवन अधिक करने वाले लोगों को आंत के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के माता पिता को ये बीमारी हो चुकी है उनके बच्चों में भी इसके होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।